वाइल्ड बीस्ट एक स्थान पर रहने वाला जानवर नहीं है, क्योंकि ये जहाँ भी रहता है अपने पूरे झुंड में रहता है। इसके चलते वहाँ का घास कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते ये मजबूर हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह पलायन करने के लिए। उसी क्रम में ये आज नदी पार कर रहा है, ताकि पलायन करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाए। जब कोई भी जानवर नदी पार करता है तो उसी नदी में मगरमच्छ बैठ करके जानवरों का इंतज़ार करता रहता है कि कोई भी जानवर नदी पार करे तो उसका शिकार कर सके। जब किसी भी जानवर का झुंड नदी पार करता है तो उसमें बैठा हुआ मगरमच्छ इस इंतज़ार में रहता है कि कोई कमज़ोर वाइल्ड बीस्ट उसको दिखाई दे, और जब कमज़ोर वाइल्ड बीस्ट उसको दिखाई देता है तो वो उसी पे हमला करता है। अक्सर मगरमच्छ को देखा गया है कि वो सबसे कमज़ोर जानवर जो दिखाई देता है वह उसी पे हमला करता है। जैसा कि आपके सामने है, ये कमज़ोर वाइल्ड बीस्ट को देख करके ये मगरमच्छ उसको अपने झुंड से अलग कर लिया और ये उसको अपने जबड़े में दबोच लिया है, और अपने जबड़े में दबोच करके इधर से उधर कर रहा है और उसको लेकर के नदी के अंदर चला गया। और मगरमच्छ अपने जबड़े में किसी भी जानवर को जब पकड़ लेता है तो उसका छूटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।